अशोकनगर जिले में एसबीआई की पछाड़ी खेड़ा रोड स्थित शाखा में एक सातिर चोर यहां खड़े एक शिक्षक की जेब से 50,000 रुपये लेकर रफू चक्कर हो गया। सातराना अंदाज में जिस तरह से इसने चोरी की है उसको देखकर लगता है कि ये प्रोफेशनल है और लगातार इसको वॉच करते हुए अपने काम को अंजाम दे के गया है। अशोकनगर के शिक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि वह 1,00,000 रुपये निकालने के लिए करीब 11 बजे के आसपास इस बैंक में पहुंचे थे। बैंक से पैसे निकालने के बाद जब वो अपनी पासबुक को चढ़वाने के लिए काउंटर के पास पहुंचे तो चंद सेकंड के भीतर ही इस सातिर व्यक्ति ने उनकी जेब से 50,000 रुपये की एक गड्डी निकाली और वहाँ से रफू चक्कर हुआ। जब उन्होंने अपनी जेब देखी और कम निकला एक गड्डी तो उसके बाद उन्होंने बैंक प्रबंधन से बात की, बैंक के लोगों से पूछताछ भी की, मगर तब तक वह आदमी वहाँ से निकल चुका था। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी है और उसमें दिख रहा है कि बाएं हाथ से कितनी आसानी से वह शिक्षक की जेब में से पैसे निकाल रहा है। बैंक के साथ साथ इस व्यक्ति का चेहरा दूसरे सीसीटीवी फुटेज में भी मिला है। शिव कुमार शर्मा ने इस मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। बैंक में आज आपके साथ कोई घटना हुई 50,000 रुपये जेब से निकालने की, तो किस तरह हुआ था और ये पूरी घटना क्या है? आज लगभग 10:45 के आसपास मैं SBI मंडी रोड शाखा अशोकनगर में गया जी, और लगभग 11 बजे मैंने पैसे 1,00,000 रुपये निकाले। निकालने के बाद फिर मैं दूसरे काउंटर पर मेरी पासबुक को मैं बदलवाने के लिए गया। उसी समय एक व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा हुआ, उसने उस समय पैसे निकाले। ये बाद में वीडियो से पता चला। 2-5 मिनट के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ हुआ है, तो मैंने जेब चेक की तो 50,000 की 2 गड्डी थी जी। एक गड्डी मेरे जेब में थी, एक नहीं थी। तुरंत मैंने बैंक मैनेजर को रिपोर्ट किया, बैंक का लॉक लगवाया और CCTV चेक कराई, तो जो व्यक्ति CCTV में आया वो निकल चुका था। इसके बाद फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की। तो जो व्यक्ति दिख रहा है वो आप ही के पास में बैठा हुआ था? हाँ, नहीं, वो बैंक में मेरे बाद आया है और जब मैं पैसे गिन रहा था तो वो वीडियो में मुझे देख रहा था। और नहीं तो निकालते हुए दिख रहा है कि वीडियो में? निकालते हुए दिख रहा है, पास में खड़ा हुआ है, उसने बाएं हाथ से निकाले और बहुत ही ऐसा लग रहा था साथे रू, क्योंकि वो बैंक में इसकी एंट्री से लेकर जाने तक उसका कहीं किसी काउंटर पर कोई काम नहीं था। बैंक में कोई व्यक्ति आता है काम से आता है, तो ये अकेला व्यक्ति तो जो आया इधर उधर देखा पैसे निकाले चला गया।